हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेपअप आईएएस। इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 मार्च और आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी पहले हम कोचिंग के बारे में लेते हैं। जो लोग दिल्ली नहीं आना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस यू हैव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन कोर्स में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको क्लासेस भी दी जाएंगी और उसके साथ आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो वी हैव बोथ ऑप्शंस, जिसमें कि आप दिल्ली अगर आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर आपको बहुत छोटा सा क्लास स्ट्रेंथ मिलेगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प की जाएगी, गाइड किया जाएगा, क्लासेस दी जाएंगी। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, भारत के किसी भी कोने से या आउट ऑफ इंडिया भी आप ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपना पहला आर्टिकल, द रियल रिफॉर्म। रियल रिफॉर्म को लिखा है MS साहू जी ने। ये कौन है? ये है चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन्होंने इस IBC कोड की तारीफ की होगी। तो IBC कोड के साथ दिक्कत क्या है? कई सारी दिक्कत है। पहली दिक्कत कि हम ये आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्टिकल से अलग होकर के बात कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी, इसको जब लाया गया था कहा गया था कि टाइम मैनर में पर्टिकुलर कुछ डेज के तहत अंतर्गत पूरे केस को रिजॉल्व किया जाएगा, डिफॉल्ट्स को कम किया जाएगा और इससे मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो क्रिएट होगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि पैसा अब डूबता नहीं है उनका, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो लेकिन अभी तक जो चीज़ें हुई हैं उसमें इसका थोड़ा फेलियर देखा गया है। इसमें 300-350 दिन भी पार हो जाते हैं एक एक केस को रिजॉल्व करने में, लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आ पाता है। तो खैर, इन सारी चीज़ों को काटते हुए जो आर्टिकल है उसमें राइटर ने लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के लिए लाए गए हैं। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि क्या है। तो इसमें इनका कहना है कि जिस तरीके से कोई भी रिफॉर्म होता है और नया रिफॉर्म जब भी मार्केट में आता है तो उसको बहुत सारी फैक्ट्स फिगर्स का सामना करना पड़ता है और जो लोग होते हैं ऑब्वियसली जो अदर लोग होते हैं उसको चैलेंज करते हैं और फिर पॉसिबल फोरम्स पर लाया जाता है। ये सेम चीज़ IBC के साथ भी होता है, कोई नया एक्सेप्शन नहीं है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के अभी तक कई तरीके से इसको काउंटर किया जाता है IBC को और ये उसके फेलियर के बारे में कहा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। IBC बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तरह इमर्ज हो रहा है, जिसमें कि जो डिफ़ॉल्ट के केसेस हैं उसको बहुत ही आसानी से और जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाता है। तो एक दो मिथ्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल के बारे में कहा है कि जो पहला केस, जो पहली कंपनी इसमें रिजॉल्व हुई थी IBC के अंतर्गत, वो भी करीब 9 करोड़ रुपए के आसपास का उनका पूरा था। और इसमें 2019 तक जो केसेस हैं उसको भी दिया गया कि किस तरीके से एक मिथ होता है, एक झूठ होता है, जब बातें सामने आती हैं मार्केट में आती हैं तो ये कहा जाता है कि 4 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट है मार्केट में, लेकिन जब चीज़ें IBC के प्रोसेस से गुजरती हैं तो सिर्फ 0.8 लाख करोड़ तक रह जाती हैं। मतलब जो फिगर आपको बताया जाता है वो बहुत बड़ा फिगर होता है और रियलिटी में कुछ और होता है। IBC के अंतर्गत जो क्रेडिटर्स होते हैं दैट रिकवर्ड 1.6 लाख करोड़, अभी तक 1.6 लाख करोड़ की रिकवरी हो चुकी है और इनका मानना है कि ये 200% है, 100% भी नहीं बल्कि 200% है, क्योंकि इसमें जितनी एक्सपेक्टेशन थे उससे कहीं ज़्यादा रिकवरी IBC ने अपने अंतर्गत अपने नॉर्म्स रूल्स के तहत कर लिया है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। और ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए कि IBC किस तरीके से काम कर रहा है कंपनियों को रिजॉल्व करने में और डिफॉल्ट को कम करने में। रिकवरी इज इंसिडेंटल अंडर द IBC एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रेस्क्यूइंग कंपनी इन डिस्ट्रेस। तो मेन उद्देश्य IBC का क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि कंपनी को डिस्ट्रेस से बाहर करना, कंपनी को रेस्क्यू करना, बचाना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऑल्दो इसका एक मिथ क्या है? मिथ ये है कि रेस्क्यूड 200 कंपनीज एंड इट हैज़ सेंट 800 कंपनीज फॉर लिक्विडेशन। और यहीं पर यह कहा जा रहा है कि अभी तक IBC ने 200 कंपनियों को रेस्क्यू कर लिया है जबकि 800 कंपनी को लिक्विडेशन के लिए भेजा गया है। नंबर ऑफ कंपनीज गेटिंग इन टू लिक्विडेशन इज दस 4 times दैट द कंपनी बींग रेस्क्यूड। उद्देश्य क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? कि रेस्क्यू करना, कंपनी को बचाना, लेकिन फिगर में क्या दिखाया जा रहा है कि 4 गुना कंपनियां जो हैं उसको लिक्विडेट कर दिया गया, उसको रेस्क्यू नहीं किया जा पाया। नंबर हाइबर्स इन द कॉन्टेक्स्ट एंड एसेट वैल्यू 0.8 लाख करोड़ वाइल द कंपनी रेफर लिक्विडेशन हैड एसेट वैल्यू 0.2 लाख करोड़।
तो इसमें इन शॉर्ट वही बता रहे हैं कि जब कंपनी आईबीसी में के प्रोसेस से पहले उसका असर देखा जाता है तो उसका फिगर बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, जब इस प्रोसेस से होके निकलता है तो उसकी वैल्यू बहुत कम एक्चुअल में होती है, ये पता चलता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द कंपनी रेस्क्यूड 1/3 वर ईदर डिफंक्ट और अंडर बी आई एफ आर एंड द कंपनी सेंट फॉर लिक्विडेशन, 3/4 वर ईदर डिफंक्ट और द बी आई एफ आर। नाउ द थिंग इज कि कुछ और मिथ्स को इन्होंने डिस्कस किया है। अगला मिथ है कि इस प्रोसेस के तहत बहुत सारे जॉब लॉस हो गए हैं, रोजगार चले गए हैं। लिक्विडेशन जब होता है तो उसके उसके बाद जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। इट इज़ मिसकंस्ट्रक्टेड दैट द 600 कंपनीज फॉर विच डाटा अवेलेबल, इसमें कहा जा रहा है कि जो 600 कंपनियां हैं वहाँ से बहुत सारे जो जॉब हैं वो चली गई क्योंकि ये लिक्विडेट हो गया, इस प्रोसेस में चला गया। तो बट इनका मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो कंपनियां थी वहाँ पर कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, कोई एसेट था ही नहीं, और इस वजह से इन कंपनियों के लिक्विडेट होने पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई भी जॉब लॉस अभी तक नहीं हुआ है। आईबीसी प्रोसेस वुड रिलीज द अंडर यूटिलाइज्ड एसेट वैल्यू 0.2 लाख करोड़। तो इसमें इन शॉर्ट बहुत सारी तारीफें कही जा रही हैं, कहा जा रहा है कि ये जो कहा जाता है आईबीसी के लिए ये सब गलत स्टेटमेंट्स हैं। स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं अंडरस्टैंड बिजनेस, हैव बैकिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल्स आर यूजिंग आईबीसीज। तो यहाँ पर आईबीसी के तहत जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी दिए जाते हैं, जब भी कोई कंपनी डिफॉल्ट होने लग जाती है तो वो फिर हेल्प लेती है इस कोड के तहत। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, जो इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग हैं, वो इसकी उसकी हेल्प लेते हैं हमसे, एंड 25,000 एप्लीकेशंस फाइल किए जाते हैं आईबीसी के अंतर्गत, एंड ट्रस्ट दैट स्टेक होल्डर प्लेस ऑन द लॉ एंड अल्टीमेट टेस्ट ऑफ इट्स एफिकेसी। तो ये इन शॉर्ट आईबीसी जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आगे चल करके ये और अच्छा हो सकता है। अगला आर्टिकल है, एक कंपैरिजन है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस और टीबी के बीच में, ट्यूबरक्लोसिस के बीच में, उसी को आर्टिकल में पूरा बहुत डिटेल में राइटर ने लिखा है। ये दो बड़े बड़े आर्टिकल जो आपके मेन एक एडिटोरियल वाले पेज पर और एक दूसरे आइडियाज़ वाले पेज पर, उसको हमने डिस्कस किया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कोरोना वायरस को कंपेयर किया गया है किससे, टीबी से। कोरोना वायरस में एक फ्लू लाइक वायरस है जो कि चाइना में इमर्ज होता है और धीरे धीरे पूरे विश्व में अक्रॉस द प्लैनेट फैल जाता है, ठीक है। अभी हर दूसरी कंट्री इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने को तैयार है। इसके लिए कई तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि स्नीज करना है तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, हैंड वॉश का यूज़ करना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है। तो इस तरीके से कई सारे प्रिवेंशंस बता दिए गए हैं और लोगों तक पहुंच भी गए हैं, एंड पीपल आर एज मच काफ़ी वो अवेयर हैं अपनी तरफ से। गवर्नमेंट की बात करें तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था, काफ़ी पॉलिटिकल विल दिख रहा है, एक मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन चल रहा है। भारत ने जैसे क्वारंटाइन प्रोसेस अपनाया है, मतलब हर चीज़ को आइसोलेट कर दिया गया, लोगों को बाहर से आने नहीं दिया जा रहा। इवन यहाँ पर भी, इंडिया में भी कई कई जगह पर सिनेमा हॉल्स, टूरिस्ट प्लेसेस को बंद कर दिया गया है। स्टिल प्राइम मिनिस्टर ने होली सेलिब्रेशन को भी अवॉइड किया, ये शो करने के लिए कि कैसे हमें क्राउड से दूर रहना है इस समय में और इन्फेक्शन से बचना है। तो लोग और गवर्नमेंट दोनों ही पैनिक सिचुएशन में हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं समहाउ। हाई अलर्ट है हर तरफ, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो या बाकी टूरिस्ट प्लेसेस पर हो। तो आखिर इस वायरस के लिए इतनी ज़्यादा जागरूकता, ऑब्वियसली इसमें इकोनॉमिस्ट भी लगे पड़े हैं कि भाई कितना नुकसान हो रहा है, ट्रिलियंस में नुकसान हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी नीचे जा रही है। लेकिन जब बात ट्यूबरक्लोसिस की आती है तो क्या उससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है? तो इन्होंने बहुत सारे डाटा एंड फिगर्स भी बताए हैं बीच में। इन्होंने बताया कि जितना कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भारत में सिर्फ हो जाते हैं, ठीक है। तो आखिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए इतना ज़्यादा अवेयरनेस और इतने बड़े स्टेप्स क्यों नहीं लिए जाते, ठीक है। तो ये इनका मेजर कंसर्न है इस आर्टिकल को डिस्कस करने का, जबकि दोनों में ही सेम प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप कोरोना वायरस की बात करते हैं, टीबी की बात करते हैं, तो दोनों ही एक इन्फेक्शस डिजीज़ है और दोनों को रोका जा रहा है यहाँ पे। लेकिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स इन्फेक्शंस हैं वो दोनों ही काफ़ी फैलाता है और इट विल लीड टू और कॉज द डेथ। तो
तो यहाँ पर टीबी को लेकर के जागरूकता कम होने के पीछे क्या कारण है? तो देखिए इसके इसमें इन्होंने क्या क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि टीबी जो है वो आज से नहीं, 5000 साल पहले से लोगों को अफेक्ट करता आया है, ठीक है ना। 1882 में पहली बार डिस्कवर हुआ कि हाँ इसके लिए कोई मेडिसिन बनाया जा सकता है। उसके बाद आगे चल कर के 1950 में वैक्सीन बनाया गया, और फिर ओवर 100 ईयर अगो मतलब एक वैक्सीन बन पाया, और फिर तब से जो लोग हैं वो इसका ट्रीटमेंट जानते हैं, टीबी का ट्रीटमेंट जानते हैं, ठीक है। एंड इसको वाइट प्लेग भी कहा जाता था। 20th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई टीबी की वजह से। एंड एक अभी अच्छी बात ये है कि जो गवर्नमेंट ने तो कई सारे स्टेप्स लिए, वैक्सीनेशन भी आ गया, मेडिसिन भी आ गए, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पॉवर्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया गया, पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया, और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टीबी के अगेंस्ट वॉर को छेड़ने में, ठीक है। लेकिन स्टिल आज भी अगर आप डाटा देखते हैं तो एक अच्छा खासा डाटा है जिसमें कि टीबी से लोग इन्फेक्टेड हैं, और ख़ास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लीस्ट डेवलप एरिया है वहाँ पर टीबी से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं, और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टीबी से होने वाले डेथ आज भी बहुत ज़्यादा है, मोर्टैलिटी रेट आज भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कारण है कि टीबी को लेकर के हम इतने अवेयर नहीं हो रहे हैं जितने कि कोरोना वायरस को लेकर के हम सिर्फ 2 से 3 महीने में हो गए? तो इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई टीबी जो है, टीबी का पेशेंट जनरली इतना कैपेबल नहीं होता कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट से ट्रेवल करे, राइट। मतलब कि टीबी के स्किन को होती, जहाँ ध्यान से देखिए आप सोच करके, तो ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, उनके पास अच्छे सैनिटेशन सुविधा नहीं है, उनके यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जो लोग होते हैं उनको ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्री है वो इससे अफेक्ट तो होती नहीं है, लेकिन टीबी भी उस इन्फेक्शन की तरह जो स्लोअर टाइड्स की तरह काम करता है और धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन को सिक बनाता जा रहा है। और हाँ, ये बात है कि कोरोना वायरस का जिस तरीके से इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर दिख रहा है, तो टीबी का डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर नहीं दिखता। तो रिच और पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं वो इसके थ्रेट में आते ही नहीं हैं, तो इसके लिए इतने बड़े लेवल पर इमरजेंसी डिक्लेयर आज तक नहीं हो पाया है, जबकि टीबी से भी एक इमरजेंसी की कंडीशन ही है जिसमें कितने सारे लोग इसकी चपेट में आते हैं। तो कोरोना वायरस यानी COVID-19 से एक लेसन तो ज़रूर मिलता है इंडिया में कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है, जिसे जहाँ पर पॉलिटिकल विल होता है, टेक्निकल कैपेसिटी होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरीके के इन्फेक्शस डिजीज़ या किसी भी तरीके के डिजीज़ और महामारी को रोका जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे ही मार्शल लेवल पर गवर्नमेंट को टीबी को भी इरेडिकेट करना चाहिए। जो SDG हमारा गोल है उसमें भी आपके हेल्थ जो है SDG 3, उसमें 3.3 टू इरेडिकेट टीबी है SDG गोल का। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ें और टीबी को इरेडिकेट करने के लिए जो भी नॉर्म्स हैं उसको अपनाएं, पॉलिटिकल विल, टेक्निकल कैपेसिटी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और हर तरीके से एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पर कि हमें टीबी को पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा। आइए न्यूज़ देखते हैं आज का। तो पहला न्यूज़ है सार्क से संबंधित, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई है। ये बात यह है कि अभी तक जब इंडिया का एक कड़ा रुख था पिछले 1-2 सालों से सार्क को लेकर के बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान, लेकिन अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपील किया है हर सार्क कंट्री से। तो सार्क में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान एंड इंडिया। तो इंडिया ने अपने सारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सार्क कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अपील किया है कि सबको मिल करके जो वायरस है उसके खिलाफ लड़ना होगा और एक दूसरे को हाथ मिलाना होगा कि कैसे हम मिल करके इस पूरे प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके केसेस जो हैं वो हर कंट्रीज़ में है, मालदीव, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर केसेस में, और इवन भूटान में भी एक केस आ चुका है, एक केस भूटान में और एक केस नेपाल में है। अगला न्यूज़ है FRBM लॉ से जुड़ा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट जो है वो बोरो कर सकती है, सेंटर का नोट मिल चुका है स्टेट को कि वो अपने आप पर खर्चे को मेंटेन करने के लिए बोरोइंग कर सकती है, और इसके लिए वो अपना जो अमेंड FRBM लॉ है उसको अमेंड कर ले। तो FRBM एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट।
ये 2003 में लाया गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें बदलाव भी किया गया है कई। तो इसमें इस लॉ में ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ पर कितना खर्च करेगी, मतलब जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगी कि हम इतने परसेंट से ज़्यादा जो उधार है वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें धीरे धीरे थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो इसके कुछ बेसिक फैक्ट जो हैं वो देख लीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी रिड्यूस्ड टू एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 0.5% और मोर ऑफ GDP एवरी ईयर। फिजिकल डेफिसिट के लिए टारगेट रखा गया है कि रिड्यूस बाय 0.3% और मोर। तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट को 0.3% तक हर साल कम करते जाना है अपने डेफिसिट में 2004-05 फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, और 3% GDP के कर देना है 2009 से। तो अभी हम 2020 में हैं, तो ये 2003 में आया है ये वाला एक्ट, तभी कहा गया था कि हमें अपने GDP का 3% से ज़्यादा नहीं करना है फिजिकल डेफिसिट, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और अभी फिर से अमेंडमेंट हो रहा है। और इसके चार फिजिकल इंडिकेटर्स हैं जिसको कि रिव्यू करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक तो है फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, रेवेन्यू डेफिसिट परसेंटेज ऑफ GDP, ये सब कैलकुलेट किया जाता है इसके तहत, टैक्स रेवेन्यू और ऑफ द GDP और टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। फिर फाइनेंस मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो क्वार्टरली रिव्यू करे कि कितना रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो है वो कितना आ रहा है सरकार के पास, उनका बजट का मैनेजमेंट जो है वो कैसे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि हम लोग जब इकोनॉमी के न्यूज़ को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में डिस्कस करते हैं। तो ये चारों क्वार्टर में फाइनेंस मिनिस्टर को देखना होता है कि कब कितना पैसा आया, कितना गया, कितना घाटा हो रहा है। ये सारी चीज़ें इस फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में दी हुई हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो फिजिकल घाटा होता है, जो टोटल घाटा होता है, उसको कम करते जाना ताकि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी रहे। अगला न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए खास करके। कैबिनेट ने एक नया टैक्स रिजीम निकाला है, टैक्स स्कीम है एक्सपोर्टर्स के लिए। MEIS को रिप्लेस किया जाएगा किसे, RODTEP से। इसका फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इस स्कीम से किसको किया जाएगा रिप्लेस, MEIS को, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा प्रिलिम्स के लिए। जो नया स्कीम है, कहा जा रहा है कि वो WTO के नॉर्म्स से मिलता जुलता है, जबकि MEIS जो था वो WTO के नॉर्म्स पर बेस मतलब पूरा खरा नहीं उतरता था। हालांकि इसके जो कुछ एजम्पशंस हैं उसमें बताया गया कि 10,000 करोड़ रुपये का एनुअल यहाँ पर नुकसान ही है, लेकिन अभी इसका एस्टिमेशन क्लियर कट क्या इम्पैक्ट होगा, पोटेंशियल रेवेन्यू इम्पैक्ट, उसको कैलकुलेट अभी नहीं किया गया है। उसके बाद एक और नया प्रपोजल है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की तरफ से, टू रिमूव एम्बिग्यूटी इन द मॉडिफाइड न्यू प्राइसिंग स्कीम NPS 3rd फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ यूरिया यूनिट। तो वो भी एक नया प्रपोजल अभी गवर्नमेंट ला रही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, थैंक यू।